आउटलुक है हमारी इस क्लास में, हम न्यू मेल पे थे, जब न्यू मेल कंपोज करते हैं टू सीसी वगैरह डाल देते हैं, मैसेज वगैरह लिख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें एक दो चीज़ें थी जो कि मैं कल बताना आपको भूल गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वगैरह डाल दीजिए इसमें, यहाँ ऑप्शंस के अंदर में ये मैंने कवर कर ही दिया था आपको मैंने, इंसर्ट में नॉर्मली वही है जो हम नॉर्मली इंसर्ट करते हैं, ऑप्शंस के अंदर में आपके पास यहाँ वोटिंग बटन था, तो जब आप देखा यस नो करते ही मेलिंग वापस आ जाता था कि हाँ अप्रूव है, बीसीसी आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ आता रिक्वेस्ट टू डिलीवरी रिसिप्ट, इससे क्या होता है कि आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको मेल किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट मेल है आपको मैंने भेजा, जैसे कोई एप्लीकेशन ही बैंक को आप भेज रहे हैं राइट, तो अगर कल के डेट में आपका बैंकर बोल सकता है ना कि मुझे आपकी मेल नहीं आई क्या सर, ठीक है, तो आप वो बोलेंगे मैंने तो भेजा है सेंड आइटम में है, तो बोले कोई टेक्निकल एरर होगा, मेरे पास मेल आपकी पहुंची नहीं है, अच्छा। कल पल्ला झाड़ सकता है ना, हाँ बिल्कुल, अगर आपने डिलीवरी रिसिप्ट आप क्लिक कर दिया तो आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आया कि हाँ फलाने के पास आपकी मेल पहुंच चुकी है, ओके ठीक है। दूसरा आता रिक्वेस्ट टू रीड रिसीव, अब मान लीजिए मेल उसको पहुंच गया तो ये भी कह सकता है ना, ये है कि नोटिफिकेशन उसने पढ़ लिया है, मतलब लाइक हमारे पास नोटिफिकेशन है मेल उसके पास पहुंच गया है उसने पढ़ ली, आपकी मेल तो मिली थी बट मैं मुझे बहुत सारे मेल आ गया जिस कारण से मेल नहीं पड़ी, तो यहाँ पे रिसीव टू डिले रिसीव। अब यहाँ पे एक चीज जो है कि अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो रीड करेगा तो आपके पास मैसेज आ ही जाएगा, जैसे ऊपर रीड पे क्लिक करेगा ना, रीड पे क्लिक करेगा तो उसको एक पॉपअप पूछेगा यस एंड नो को, अगर वो नो कर देगा तो आपको रीड नहीं आएगा, यस करेगा तभी आएगा, तो कई बार कई मेल आपको मिलता होगा तो उस पर यस पे क्लिक करते होंगे तो आपको, जैसे मैं यहाँ पे तीनों चीज़ कर देता हूँ, रिक्वेस्ट टू डिलीवरी रिसीप्ट और यहाँ पे रिक्वेस्ट टू रीड रिसीप्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं IPT इंडिया @delhi.gmail.com में हमने इसको सेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास इसको मेल आने दीजिए, ठीक है, ठीक है सर, मेल आने दीजिए यहाँ पे, आया मेल, आ गया ना, डिलीवरी रिटेस्ट, डिलीवरी टू डेज रिसीपिएंट, इट इज कंप्लीट बट नो डिलीवरी नोटिफिकेशन इज सेंड बाय द डेस्टिनेशन, ठीक है। और जैसे मेल को खोलते ही एक पॉपअप आएगा, आया नहीं मेल, कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत मेल आता नहीं ना, उसमें थोड़ा टाइम लेता है, तो डिलीवरी रिसिप्ट उसमें ही होता है। इसमें एक चीज और था, डिलीवरी रिसिप्ट के बाद हम ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं, एक आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे सेव टू सेव सेंड आइटम टू, मतलब जो ये जो आ रहा है आइटम वो सेल हो जाए, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है जो नॉट सेव करेंगे तो आपके सेंड आइटम में नहीं होगा, जैसे आप मेल ऐसे मान लीजिए कोई बल्क मेल बहुत सारा कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 10-20,000 बल्क मेल भेजा होगा, अब सारे मेल आपके सेंड आइटम में सेम होंगे तो आपका मेल बॉक्स पे प्रॉब्लम हो सकती है ना मैम, जैसे मैं ही 4,000 लोगों को मैंने एक कोर्स इन्फॉर्मेशन भेज दी राइट, अब 4,000 मेल मेरे सेंड आइटम में पड़ा रहेगा ना,
हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं डू नॉट सेव, मतलब आप जो मेल करेंगे वो आपके सेंड आइटम में सेव ही नहीं होगा, अच्छा ठीक है, ठीक है। ताकि वो मतलब भरे भरा नहीं रहेगा मेरे पास हाँ, में। फिर आता है डिले डिलीवरी, इसका यूज मैंने किया था, ठीक है। होता क्या था कि मैं ऑटोमेशन के थ्रू रिपोर्ट बना लेता था, राइट। अब दिन भर का जितना रिपोर्ट होता था ना, और 1-1.5 घंटे मेरा बन के कंप्लीट हो जाता था। अब मैं अच्छा 1-1.5 घंटे में सारे रिपोर्ट अगर भेज दूँ तो बॉस को पता चल जाएगा कि दिन भर इतने, इसने तो 1.5 घंटे में अपना पूरा काम कर लिया, बाकी टाइम तो ऑफिस में ऐसे घूम फिर रहा है हाँ क्या। हाँ तो समझ गई मैंने क्या सर। किया, सारे मेल्स बना देते थे, कंपोज कर देते थे और डिले डिलीवरी सेट कर देते थे। हम सेट कर देते थे कि भाई इतना बजे मेल जाएगा, तो सेम टाइम पे सेम डेट हर पे मैं मेल इतना का दूँ। जो भेजेंगे, जो जितने सारे एक साथ मेल भेजेंगे, तो सबका एक पर्टिकुलर टाइम ही यही रहेगा बस। नहीं आप चेंज कर सकते हैं ना, आप मेल अच्छा तो वन बाय वन ही होगा ना मैम। हाँ और क्या। जैसे मान लीजिए कि एक रिपोर्ट वन है मेरा, मुझे भेजना है, तो रिपोर्ट वन में मैंने मेरे को पोस्ट किया, फाइल अटैच वटैच सब कुछ कर दिया, करने के बाद मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, समझ गए। ओके यहाँ पे डाल दिया कि भाई इतना बज के इतना मिनट पे ये होगा, ठीक है। और इसकी ठीक सेव कॉपी में रख दो, यहाँ पे कंटेंट वगैरह जो डालना है डाल सकते हो, या बाकी चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हो, है। अच्छा लेकिन ठीक मोस्टली हम इसी का यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा डिले डिलीवरी, ये होता है डायरेक्ट रिप्लाई टू। इसमें आप सेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी को डायरेक्ट रिप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा मेल आया तो उसको डायरेक्ट रिप्लाई चला जाए, ठीक है। ओके और यहाँ पे मैसेज ऑप्शंस आता है कि मैसेज ऑप्शंस आपके वही सेम ही है, मैसेज ऑप्शन आपका डिले डिलीवरी है, बस वही है। तो ये हमारे ऑप्शंस में होता है, बाकी फॉर्मेट टैग्स रिव्यू वगैरह आपका हेल्प, बट वही है जो कि मेल में हम इसमें करते हैं, वर्ड में हमने किया था, तो इसमें हाँ खास दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमने डिस्कस की और डिस्कस की मेल्स की, किसी को अगर आप न्यू मेल करते हैं, लेकिन जब न्यू मेल की जस्ट बगल में पॉप एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला दिखेगा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। हाँ अब मान लीजिए किसी से कोई अपॉइंटमेंट आपको लेना है, तो इस तरह के मेल कंपोज कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल दे दीजिए अपना, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया डेमो क्लास, और मैंने टाइम डेट एंड टाइम कर दिया कि भाई इतना बजे से इतना बजे तक का है। लोकेशन मतलब कि अपना ये डाल दीजिए कि ईमेल आईडी डाल दीजिए जिसको आपको भेजना है, अच्छा ठीक है ना। ऑप्शनल ऑप्शनल में आप ऑप्शनल में कोई और किसी और को भेजना चाहते हैं तो भी आप यहाँ दे सकते हैं, और लोकेशंस आप दे सकते हैं कि ऑनलाइन जू, ठीक है, और इसको सेंड कर, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपअप आ गया ना आपका, ये कि डेमो क्लास है हाँ 4 मिनट में, ठीक है। और जिसके इनबॉक्स में गया होगा उसके पास भी कुछ इसी तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक ठीक है। तो अपॉइंटमेंट अब इसमें होगा, एक चीज़ और भी होता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट का भी ऑप्शन आएगा जब उसको एक बार एक करेंगे ना, सेंड रिसीव करते हैं एक बार हम, तो एक्सेप्ट रिजेक्ट का भी ऑप्शन आएगा। मान लीजिए वो मीटिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, परमानेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो रिजेक्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा, जैसे यस नो का आया तो उस तरह से ऑप्शन आ जाता है। डेमो क्लास हमने भेजा है ना, IPT दिल्ली 123
@gmail.com। यहाँ लोकेशन ऑनलाइन आ गया, टाइमिंग आ गए, ये आपको पॉपअप करता रहेगा, ठीक है। बट इनबॉक्स में क्यों नहीं आया ये? कुछ ये प्रॉब्लम ही होती है, आउटलुक का ही प्रॉब्लम होती है, मेल जल्दी रिसीव नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट समझ में आ गया। फिर आता है मीटिंग, मीटिंग भी अपॉइंटमेंट की जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम, बस इसमें अपना यहाँ पे क्या क्या मीटिंग सजेस्ट टाइमिंग है आपकी, खाली टाइमिंग दिख रहा है आपको 11 से 12, 3, और आपने मीटिंग नहीं रखे हुए हैं तो यहाँ पे आपको टाइम सजेस्ट नहीं करेगा। अच्छा, डेट और टाइम यहाँ से कैलेंडर चूज करके अपना टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। देखिए आगे वापस 2 मिनट में मीटिंग है, तो इस तरह की आपको ये चीज़ देती रहेगी आपको। तो यहाँ पे आप अपना मीटिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, और जो मीटिंग आपने सेट किया किसी को भेजना है उसको आप भेज भी सकते हैं कि भाई ये फलाने को मीटिंग हमें लेनी है, तो यहाँ पे हम भेज सकते हैं। ठीक है, सेंड कर देंगे यहाँ पे, वांट टू सेंड मीटिंग विदाउट रिक्वेस्टिंग सब्जेक्ट एंड लोकेशन, मैंने यहाँ पे सेंड कर सेंड एडवे कर दिया। ये बोला कि लोकेशन एंड सब्जेक्ट आपने चूज नहीं किया हुआ, तो मीटिंग हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट, आप अपना कॉन्टैक्ट को नम सेव कर सकते, तो कल बताया था सेव करके मैंने आपको। उसके बाद टास्क, टास्क मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं, कब कब क्या कोई काम आपको बॉस ने दिया है, तो जैसे रिमाइंडर सेट करते हैं वैसे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उतने टाइम में आपको आएगा, इसमें भी है कि स्टार्ट डेट कब, स्टेटस में इन प्रोग्रेस है, या ड्यू डेट कब तक कंप्लीट करनी है, प्रायोरिटी हाई लो है, कितना परसेंट आपका कंप्लीट हो गया है, रिमाइंडर यहाँ पर सेट रिमाइंडर करना है, रिमाइंडर कब कब होना चाहिए, ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टास्क वगैरह आप कर सकते हैं, मार्क कंप्लीट कर देंगे तो आपका टास्क कंप्लीट हो गया, तो जो जो काम करेंगे उसका पूरा सेटअप यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप, यहाँ से टास्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी आती है, क्या बोले, हेलो, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे ईमेल मैसेजेस भी आए थे आपके पास, तो यहाँ पे जैसे मोर स्टेशनरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए आपके ये आते हैं, स्टाइल्स आते हैं जिसका यूज आप अपने मेल्स में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसी ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि मुझे एक मेल जो करनी है ना वो स्टाइलिश मेल नहीं करने, क्योंकि ये जो मेल मैं कर रहा हूँ स्टाइलिश, तो बेसिकली बेम बेम वगैरह पे नहीं यूज होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे प्लेन करूँ, प्लेन टेक्स्ट, तो क्लिक करेंगे तो सिंपल प्लेन टेक्स्ट होगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कोई कलर वलर नहीं, सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट जाएगा। देख सकते कलर सब चीज़ कलर वलर पूरा डिसेबल हो गया। उसके बाद दूसरा क्या होता है, कई बार हमें एचटीएमएल मेल जो है एचटीएमएल कोड के थ्रू करना होता है, तो ये आपके यहाँ पे रिच टेक्स्ट प्लेन से और एचटीएमएल। अब यहाँ पे जो मेल आएगा एचटीएमएल फॉर्मेट में आएगा, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि जो मेल मैं कर रहा हूँ वो मेल इंटरनेट वगैरह पे जो जीमेल की जो क्रोम वगैरह पे हम खोलते हैं वहाँ पे सही से नहीं दिखती, अब जो मेलिंग हम कर इस पर जो मेल टाइप कर रहे हैं वो एचटीएमएल में कन्वर्ट होके जाएगी, तो हर प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ यूज करते हैं। उसके बाद मोर आइटम्स है न्यू की जगह पे, जैसे कि यहाँ पे आप पोस्ट दिस फोल्डर इन फोल्डर करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट दे दीजिए, हम यहाँ पे टेस्ट कर दिया,
और एक किस पे पोस्ट हो रहा है, इनबॉक्स में हो रहा है। ठीक है ना, हमें पोस्ट कर दिया तो इनबॉक्स के अंदर में एक मैसेज पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे ना मीटिंग दिख रहा है, मीटिंग मैम जस्ट मेल आई है, जैसे मीटिंग है यहाँ पे, और इस पर क्लिक करके जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे नो रिस्पॉन्स रिक्वायर कर देंगे तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो इस पर क्लिक करने से क्यों नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट इज इट। वो ऑर्गेनाइजर है ना यहाँ पे बता रहा है ना। हाँ ओके, ये देखिए हमने अभी मैसेज क्या किया, पिंग किया ना, देख रहे हैं आपको पोस्ट किया ना। जैसे कभी कभी क्या होती है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको एक इम्पोर्टेंट चीज है, मेल है या कुछ चीज इम्पोर्टेंट चीज है, आपने आपने कहीं से कॉपी किया, उसको कहाँ रखेंगे आप, नहीं चाहते उसको एक्सेल फाइल में या वर्ड फाइल में या पीपीटी में या कहीं रखें, समझ। मान लीजिए आपकी आईडी पासवर्ड ही है, आप चाहते हैं कि उसको आपके इनबॉक्स में पड़ा रहे। अच्छा, जने लोग क्या करते हैं ड्राफ्ट में डाल के छोड़ देते। देखिए मैं बहुत सारी चीज ड्राफ्ट में डाल के छोड़ देता हूँ, समझे। जैसे कोडिंग दिख रहा है आपको, ये मैंने ड्राफ्ट में डाल के छोड़ दिया, तो आप मैसेज पोस्ट भी कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे क्लिक कीजिए मोर आइटम्स, यहाँ पे पोस्ट इन दिस फोल्डर, क्रिएट ग्रुप, कॉन्टैक्ट ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई मेल है, कोई रिपोर्ट है, वो 10 लोगों को भेजते हैं ना, बार बार आपको 10 लोगों की मेल को इनपुट करना पड़ता है। जैसे वो जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं ना, ऐसे आप यहाँ ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपको मेल करना होगा, जस्ट ग्रुप सेलेक्ट कीजिए और भेज दीजिए, सब कुछ चला जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है बैम। ठीक है, टास्क रिक्वेस्ट, एक तो आपने टास्क क्रिएट किया था, राइट। अब आता है टास्क रिक्वेस्ट, और टास्क रिक्वेस्ट अगर मान लीजिए किसी से काम करवाना है आपको, जैसे मान लीजिए मुझे किसी पर्सन से काम करवाना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि टास्क रिक्वेस्ट भेज देते हैं, प्लीज डू दिस जॉब, ठीक है। और क्या क्या काम करनी है, क्या क्या फाइलों पे करनी है, कब से स्टार्ट करना है, कब वापस करना है, कितना परसेंट करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे सेंड कर दीजिए, उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अगर उसको करना होगा तो एक्सेप्ट करके काम करना शुरू कर देगा, एक्सेप्ट नहीं होता नहीं करना शुरू होगा। ये सब प्रूफ आपके पास होते हैं कि मैंने टास्क किए हुए हैं। ऑफिस वगैरह में क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें कब यूज़ करते हैं, जब क्योंकि हर चीज़ मेलिंग से नहीं होता है ना, ठीक है ना। तो टास्क प्रोग्राम इस तरह से रिक्वेस्ट, मीटिंग रिक्वेस्ट वगैरह डालते हैं, ताकि हमें होता है कि आपको मैंने मीटिंग रिक्वेस्ट भेजा था, नॉट ए नॉर्मल मेल भेज जाता। और इस तरह चीज़ें क्या होती है कि नॉर्मल मेल करते हैं तो क्या होता है कि वो स्पैम वगैरह पे जा सकता है, इस तरह की रिक्वेस्ट जो होती है स्पैम में नहीं जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। उसके बाद इंटरनेट फैक्स, अगर फैक्स है तो डायरेक्ट आप आउटलुक से फैक्स कर सकते हो, पहले हुआ करा था अब नहीं। अब आता है चूज फॉर्म, आप इसमें कोई फॉर्म चूज करना चाहते हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट या पोस्ट हो गया, टास्क हो गया, सर बने बनाया फॉन्ट है, जैसे मीटिंग रिक्वेस्ट है, जनरल एंट्री है, ओपन कर दीजिए, ये ओपन हो जाता है। अब इसमें आप डालिए और सेव क्लोज कीजिए, एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें, जैसे मेलिंग है या आपके कैलेंडर होते हैं, जहाँ पर अपने आप अपॉइंटमेंट, देखिए यहाँ पे डेमो क्लास में किया हुआ है, और ये हमारा एक 28 तारीख को हमारा एक और है मीटिंग है, दोनों यहाँ पे रिमाइंडर हो गए ना। तो इसके जरिए आप सिंपल मैनेज कर सकते हो कि मुझे कब क्या क्या करना है, कब कब बर्थडे है, अगर किसी का बर्थडे भी है तो बर्थडे करेंगे तो बर्थडे रिमाइंडर देगा, बर्थडे मैसेज चला जाएगा उसको, सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद ये आता है कॉन्टैक्ट, आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो। टास्क जो मैंने बताया, टास्क यहाँ से मैनेज कर सकते हो, कब कब क्या क्या काम करना है, सारे टास्क सारे डू लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद मोर ऑप्शन में यहाँ पे नोट्स है, अगर आप नोट करना चाहते हो तो यहाँ पे नोट्स आ जाएंगे, यहाँ पे नोट्स भी है जिसको सेव कर सकते हो आप। कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, सारे फोल्डर्स आ जाएंगे आपको यहाँ पे। ये चीज़ें यहाँ से हम यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से न्यू मेल आपका कंप्लीट हो गया हुआ है, और इनबॉक्स भी मैंने बता ही दिया था, मेल कैसे रिप्लाई करते हैं, डिलीट करते हैं, सर्च करते हैं, ये सब चीज़ भी मैं आपको समझा चुका हूँ, राइट। न्यू टैब में इसमें कुछ और सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुछ सर्च ऑप्शन वगैरह सेट कर सकते हैं। सेम रिसीव सैंपल है, सेम रिसीव करना होता है, और व्यू में आप अपने अरेंज कर सकते हो कि मेल कैसा दिखना चाहिए आपको, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ और आती है, वो आती है हमारा रूल्स, जो कि मैंने नहीं बताया। ये रूल्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम कल की क्लास में करेंगे आपके साथ। अच्छा ठीक ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है।